गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का 8 सितंबर 2020 की इस वर्कशीट सॉल्यूशन के वीडियो में। 10th क्लास की वर्कशीट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं, पहले इंग्लिश की और फिर सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, समझिए और फिर अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कीजिए। आज की जो वर्कशीट है वो खाने के ऊपर है। मैं जानता हूँ खाना आप सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। टू इंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइट, ब्रीद डीप, लिव मॉडरेटली, कल्टिवेट चेयरफुलनेस एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ। तो वो कहता है कि अगर अच्छी सेहत चाहिए तो हल्का खाना खाओ, गहरी सांस लो, अच्छा जीवन जियो, खुश रहो और जीवन में इंटरेस्ट रखो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अक्रॉस इंडिया सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज न्यूट्रिशन मंथ। तो पूरी दुनिया में जो सितंबर का महीना है इसे हम न्यूट्रिशन मंथ की तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अनाउंस्ड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑन 67th एडिशन ऑफ मन की बात। द PM स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन सेइंग दैट इट हैड प्लेड अ की रोल इन द बिल्डिंग ऑफ नेशन। तो 67th जो मन की बात मोदी जी ने करी उसमें उन्होंने बताया कि ये सितंबर के महीने को न्यूट्रिशन मंथ के तरह उसे सेलिब्रेट करेंगे। The PM stressed upon the importance of nutrition, saying that it had played a key role in building of a nation. In this revolution for nutrition, participation of people is very important. He also mentioned additional health report cards for students stating their health along with the usual academic report cards. He emphasized the importance of including millets as a jowar, bajra and ragi as a part of a regular diet to eradicate malnutrition from our country. तो हमारे देश से malnutrition को खत्म करने के लिए उन्होंने जो मिलेट्स होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इनको खाने में इंट्रोड्यूस करने की बात करी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी बच्चों के लिए बनाएंगे, जैसे उनकी नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड होती है वैसे ही हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। मिलेट्स आर द इंग्रेडिएंट्स टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप और ग्रेन्स फॉर फॉडर एंड ह्यूमन फूड। तो मिलेट्स जो होते हैं पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको खाया जाता है। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी फॉर टू डाइजेस्ट वेन ईटन इन राइट क्वान्टिटी। ये ऐसा खाना होता है जिससे एसिडिटी नहीं होती और इनको इसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स। इन फैक्ट रागी इज नोन टू हैव हाइएस्ट कैल्शियम कंटेंट अलॉन्ग विद अदर फूड ग्रेन्स। मिलेट यूज़ इज़ डाइवर्स इंक्लूडिंग इन सीरियल्स, सूप्स, ब्रेड्स, स्टफिंग्स, फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड बेबी फूड। तो मिलेट्स के बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे खानों में इनको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज। तो यहीं पर हमने देखा था कि सेप्टेम्बर को क्या क्या दिया था हमने नाम, सेलिब्रेटेड एज न्यूट्रिशन मंथ। तो सेप्टेम्बर मंथ को जो नाम दिया था हमने वो दिया है न्यूट्रिशन मंथ। डैश इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। तो पुअर न्यूट्रिशन के लिए जो वर्ड होता है बेटा वो होता है माल न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा भी था टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है बच्चों रिमूव। इरेडिकेट मतलब रिमूव करना। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन फोर, चौथी लाइन में हमने पीपल्स पार्टिसिपेशन देखा था। तो ये लिखा था इन दिस रेवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल का मतलब, मतलब द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट, कि जिस प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं उसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोजेक्ट। तो ये हमारे फर्स्ट फोर पार्ट्स हो गए, कीजिए इनको फटाफट नोट डाउन तो आगे बढ़े फिर आपके फिफ्थ पार्ट की तरफ। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज। तो कौन कौन सी दो रिपोर्ट कार्ड्स हैं देखिए लिखा है। ये ऑल्सो मेंशन्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर हेल्थ अलॉन्ग विद देयर यूजुअल अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। तो हेल्थ रिपोर्ट कार्ड और अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड, तो दो तरीके की जो हैं
अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कि एक है आपकी हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, एंड एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। फिर बोलते हैं व्हाट आर मिलेट्स। तो जब मिलेट्स की बात करते हैं तो हम मिलेट्स को लिखते हैं, ये मिलेट्स का आंसर आपके सामने है बिल्कुल, दैट ये रहा मिलेट्स का आंसर। कि मिलेट्स क्या होते हैं, ये आपका सिक्स आंसर हो गया। फिर लिखा है कि फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। समझ रहे हैं, नेटिव की बात करते हैं तो पहले नेटिव की बात करते हैं, पहले हम आगे बढ़ लेते हैं, पहले आगे कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले पेज में आपको जो नेटिव है उसका नाम मिलेगा। लिखा है वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आर डेली मील्स। तो ये लिखा है आपका आंसर नंबर एट, समझ रहे हैं कि क्यों मिलेट्स को इंक्लूड करना चाहिए। नेम एटलीस्ट वन थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक्ड। तो मैंने खीर खाई थी एक बार मिलेट्स की बनी हुई और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। राइट अ टू लाइन स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं कहता हूँ खाएगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब एक हमारा ये रह गया था कि फाइंड इन द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स नेटिव। तो नेटिव का मतलब लिख लेते हैं, हमने देखा था ये जो वर्ड था यहाँ पे ये था इंडिजीनियस, इसका मतलब होता है नेटिव। नेटिव मतलब कि उस इलाके का। तो हमने पूरी इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व कर ली बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की अगली वर्कशीट किस चीज की है। आंसर्स देख लीजिए एक बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी वर्कशीट है सोशल स्टडीज़ की। तो पहले हिंदी मीडियम करते हैं, फिर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम करेंगे। आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर सीमित था। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक से दूसरे देश में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियों के पारिदर्श्य पर आने के पूर्व भारत जैसे देशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। उत्पादन लागत कम करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यरत एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती थी जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिलते थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कर रही थी, यानी पूरी दुनिया में। जैसे हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स आए थे तो वो भी तो व्यापारी बन के आए थे, उन्होंने देखा कि यार तो यहाँ तो बहुत माल है, तो बहुत बढ़िया देश है, तो उन्होंने हम पे राज ही करना शुरू कर दिया। फिर हम भी बेवकूफ़ थे, उनको राज करने दिया। भूमि, भवन, मशीन या अन्य उपकरणों की खरीद या व्यय में की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं और स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। व्यापारिक हित के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी। वास्तव में विदेश व्यापार अपने देश के बाहर के बाजारों में पहुँचने के लिए उत्पादकों का एक अवसर प्रदान करता है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक होता है।
एक केस स्टडी इन्होंने लिखी भी है। होंडा कंपनी ने 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव हरियाणा में हीरो समूह के स्थानांतरपक ब्रिजमोहन लाल मुंजाल के साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की। 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर इस कंपनी की शुरुआत की। 2010 में कंपनी ने करीब 45 लाख दोपहिया वाहन, आपने सभी जानते हैं हीरो होंडा की बाइक तो आपने सभी देखा होगा। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं सीधा। पहला प्रश्न है कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? तो आंसर देख लेते हैं कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या होता था। हमने देखा था कि विदेश व्यापार, पहला उत्तर है विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने के लिए मुख्य माध्यम रहा है। और उदाहरण लिख लेंगे कि व्यापारिक हित के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी, पहला उत्तर। छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा उत्तर है। अगला देखते हैं, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? तो विदेशी व्यापार तो मैंने आपको बता दिया अभी अभी, विदेशी निवेश भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो विदेशी निवेश है ये भूमि भवन मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय हुई मुद्रा को निवेश कहते हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, ये दूसरा उत्तर है। ये विदेशी निवेश है और विदेशी व्यापार जो होता है वो आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में कार्यरत किन्हीं दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम लिखिए, ये कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं बेटा, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी यहाँ पढ़ा ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो ये देखते हैं, ये लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तीसरा उत्तर है ये आपका। एक से अधिक देश में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियों के पारिदर्श्य पर आने के पूर्व भारत जैसे देश में कच्चा माल या घात निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। अब इसी उत्तर में दूसरा पार्ट अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे हीरो होंडा। मुझे लगता है बताने की जरूरत तो नहीं कि हीरो होंडा क्या बनाती हैं, ये बाइक बनाती हैं। साथ में आप लिखेंगे मारुति सुजुकी। ये क्या बनाते हैं, ये कार बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। और एक तीसरी कंपनी का नाम लिख लेते हैं, बजाज तो हमारी अपनी है, तो बजाज तो बाहर की कंपनी होगी नहीं, तो बाहर की कंपनी कौन सी होगी, सोचो सोचो बताओ। अब एक भी कंपनी का नाम नहीं सोच पाए। एसर का नाम पता है, सुना है कभी, जो लैपटॉप बनाते हैं। ये तीन कंपनियां हैं जो बाहर की हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखाने की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो यह है आपका चौथा उत्तर, उत्पादन लागत कम करने एवं अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यरत एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल सकते हैं, ये चौथा उत्तर है। तो आपके चारों के चारों उत्तर आपको यहीं स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मुझे लगता है इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने क्वेश्चन तो अपनी वर्कशीट से लिख लेने हैं और फटाफट आंसर यहाँ से लिख लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आज की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट पे। जो हिंदी वाले हैं वो पॉज कर लो फटाफट वीडियो को, लिख लो पहले आंसर, क्योंकि आपका काम तो यहीं ख़त्म हो गया वीडियो में। बाकी इंग्लिश वाले मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। तो इंग्लिश वालों की भी बात करें तो लिखा है बाय द मिडल ऑफ 20th century प्रोडक्शन वॉज मेनली कन्फाइंड विद द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज। तो पहले जो जितना भी सामान बनता था वो कंपनी के बॉर्डर के अंदर ही बनता था। बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्रोलिंग और ओइंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, रॉ मटेरियल्स एंड फूड आइटम्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड रेडीमेड गुड्स वर इम्पोर्टेड। तो जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आई थी तब तक क्या करते थे, इंडिया जैसे गरीब देशों से सामान बनवाया जाता था और उसको भाग बेचते थे, और इंडिया में फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगाया जाता था जो वहां बनता था उसको यहां बेचने के लिए। आगे बढ़ते हैं,
टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज टू प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन इन कंट्रीज वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, जहाँ सस्ता उन्हें लेबर मिलता है वहाँ फैक्ट्री लगा लेती हैं. इसीलिए बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान में लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भी एक गरीब देश है, तो यहाँ भी उनको सस्ता लेबर मिल जाता है. भाई अगर मैं डॉलर में देखूँ तो एक व्यक्ति हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को अगर मजदूर की तरह वो काम करता है तो उसको 400 से 500 रुपये मिलते हैं. अगर इसको डॉलर में हम कन्वर्ट करें, डॉलर में चेंज करूँ, तो $100 का मतलब 7,000 रुपये होता है, $10 का मतलब 7 रुपये होता है. मतलब एक व्यक्ति को पूरे दिन भर काम करने के $6 मिलते हैं. इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान में आना चाहती है, क्योंकि बहुत सस्ते में काम हो जाता है. द मनी स्पेंट इन द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो बाहर की कंपनीज करेंगी उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे. बाय पार्टनरिंग विद लोकल कंपनीज, यूजिंग लोकल कंपनी फॉर सप्लाई एंड कॉम्पीटिंग क्लोजली विद लोकल कंपनीज और परचेजिंग देम, मल्टीनेशनल कंपनीज आर इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन एट रिमोट लोकेशंस. तो रिमोट लोकेशन, दूर दूर की जगहों पर इन्होंने फैक्ट्री लगा के और देश के सारे प्रोडक्शन को अभी अफेक्ट करती हैं. फॉरन ट्रेड हैज़ बीन द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट. इन फैक्ट फॉरन ट्रेड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच मार्केट आउटसाइड द कंट्रीज मार्केट. यानी कि फॉरन ट्रेड की वजह से क्या होता है कि जो बाहर हैं, बाहर के देश की जो कंट्रीज हैं, वहाँ भी हमारा सामान जा सकता है. जैसे हमें पता है कि भारत बहुत अच्छा कॉटन बनाता है, उस कॉटन की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया में. क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, केस स्टडी आप अपने आप पढ़ लीजिएगा. पहला क्वेश्चन है, वट वॉज द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट. तो पहले कनेक्टिंग कंट्रीज को कनेक्ट करने का मेन रीज़न क्या था? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रीज़न था ये, पहला आंसर, फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज. और एग्जाम्पल लिख लेंगे, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट. तो फॉरन ट्रेड तो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि क्या होता है, एक फॉरन इन्वेस्टमेंट भी बता देता हूँ क्या होती है. दैट द मनी स्पेंट, ये सेकेंड आंसर है, द मनी स्पेंट इन परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मेड बाई मल्टी नेशनल कंपनीज इज कॉल्ड फॉरन इन्वेस्टमेंट. सेकेंड आंसर हो गया. अब थर्ड आंसर डिस्कस करते हैं इसके बाद. वॉट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज, राइट द नेम ऑफ एनी टू मल्टी नेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, वट गुड्स दीज कंपनीज प्रोड्यूस. तो मल्टी नेशनल कंपनीज क्या होती है, ये लिखी है. मल्टी नेशनल कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज कंट्रोलिंग और ओइंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री. Raw materials and food items are exported to countries like India and ready-made goods were imported. ये हो गया. अब तीन companies का नाम उसने हमसे पूछा है, तो बेटा मैं तीन companies का नाम बिल्कुल simple बता दूंगा. सबसे पहली है Hero Honda. दूसरी है Maruti Suzuki. और तीसरी है Acer. तीनों ही मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अलग अलग देशों में इनकी पहुंच है. और क्या बनाती हैं, हीरो होंडा बनाती है मोटरसाइकिल, मारुति सुजुकी बनाती है कार, और एसर बनाते हैं लैपटॉप. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन कौन सा था आपका मेरे बच्चों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा आंसर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में फैक्ट्री क्यों लगाना चाहते हैं, तो इसका आंसर है ये, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट. मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन कंट्रीज वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. तो बच्चों एक दो तीन चार, चारों आंसर एक ही पेज पे. अरे वाह, आपके तो मजे आ गए, आज तो पेज भी पलटने की जरूरत नहीं पड़ी आंसर लिखने के लिए. तो बच्चों आपने आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे, आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.